हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबी लॉ। पंजाब एडी का पेपर जैसे कि कल हो चुका है, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द कोड ए ऑफ पंजाब एडी ए पेपर, सो दैट यू कैन हैव अ आइडिया कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, सो दैट वी कैन हैव अ आइडिया कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है इसकी। तो पेपर कैसा लगा आपको, ठीक है, लेवल कैसा लगा एग्जाम का, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो पहले सीपीसी के क्वेश्चन आए थे, सीपीसी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन है दैट वी आर गोइंग टू। तो पहला क्वेश्चन था, सेकंड अपील सेक्शन 100 ऑफ द सीपीसी में हाईकोर्ट को लाई करती है कौन से पॉइंट के ऊपर, दैट लाइज ऑन द सब्सटेंशियल पॉइंट ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ पर्सन क्लेमिंग अ राइट टू अपियर बिफोर द कोर्ट में लॉज अ केवियट, केवियट को लॉज कर सकता है कौन से सेक्शन के अंडर, 148A के अंडर। एक्स पार्टी डिग्री को आप सेट असाइड किस ग्राउंड के ऊपर करवा सकते हो कि समन्स को जो है वो ड्यूली सर्व नहीं किया गया है, ठीक है, हम इसके ऊपर करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर में, वेयर द एप्लिकेंट हैज विड्रॉन द अपील प्रेफर्ड अगेंस्ट अ डिग्री पास्ड एक्स पार्टी, द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 शैल बी, क्या होगी वो, दैट इज मेंटेनेबल, ठीक है, वो मेंटेनेबल होगी। सो सी आंसर आएगा। इंटर प्लीडर सूट क्या होता है, जिसमें प्लेंटिफ का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है सब्जेक्ट मैटर, सो दैट इज इंस्टीट्यूटेड बाय अ पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। सीपीसी में, ऑन डेथ ऑफ ईदर पार्टीज टू द सूट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, जो सूट है वो अभी नहीं होगा, सो सिक्स का आंसर आएगा। सेवंथ क्या था, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑरल एग्जामिनेशन और जो ऑर्डर 10 रूल 2 सीपीसी में है उसका वो किस लिए है, दैट इज टू एलुसिडेट द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। एक डिक्री इंजंक्शन की जो है वो कैसे आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो, वो पर्सन को डिटेन करके जेडी को इन सिविल प्रिजन या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके, सो एट का क्या आएगा, दैट इज बी। Further is 9, where a suit is dismissed under Rule 8 of Order 9 of CPC in respect of the same cause of action, जो plaintiff है, ठीक है, whether that is precluded from filing a fresh suit on the same cause of action, so that shall be precluded, उसको preclude किया जाएगा, वो fresh suit नहीं file कर सकता है on the same cause of action. 9 के बाद, उसके बाद आता है आपका 10th question, that is under which an order of temporary injunction को आप discharge, vary या set aside करवा सकते हो, that can be done under order 39 rule 4 के under, जो doctrine है res judicata का वो कौन से उसके ऊपर based है, maxim के ऊपर, that is कि एक defendant को आप दोबारा से, a defendant cannot be vexed twice for the same offence, तो कौन से section के under CPC के deal करता है, power of high court या district court कि वो transfer या withdraw कर सकता है किसी भी suit को, so the answer to this question is section 24 के अंदर ये दिया हुआ। एक प्लीडर की अपॉइंटमेंट कौन सी प्रोविजन के अंदर हो सकती है सीपीसी के, दैट कैन बी डन अंडर ऑर्डर 3 रूल 4 सीपीसी के अंदर, दैट इज प्रोवाइडेड। जो सेक्शन 34 है वो किस चीज से डील करता है सीपीसी का, दैट डील्स विद द इंटरेस्ट। 15th इज, इफ द डिक्रीज फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी, जो कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है इज बाउंड टू, इसका आंसर क्या आएगा, वो किस चीज के लिए बाउंड है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उसको बाउंड है, दैट इज वेदर इट इज राइट और नो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है, द होल डिग्री मस्ट बी ट्रांसफर्ड, अ पार्ट ऑफ द डिग्री कैन नॉट बी सेंट टू अनदर कोर्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन, सो द 16 का क्या आंसर आएगा, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, दैट इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। एक पार्ट डिग्री को आप नहीं भेज सकते एग्जीक्यूशन के लिए, सारी ही डिग्री को जो है कोर्ट को ट्रांसफर करना होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन जो है, दैट इज रिगार्डिंग अ सूट, ए सूट बीन एज फॉरेन कोर्ट, द सूट इज डिसमिस, सूट डिसमिस हो जाता है, ए जो है फ्रेश सूट फाइल कर लेता है बी के अगेंस्ट इन इंडिया ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके, सो द जजमेंट विल ऑपरेट एज अ बार टू फ्रेश सूट इन इंडिया, जजमेंट जो है वो ऑपरेट करेगी एज अ बार टू फ्रेश सूट इन इंडिया। द कोर्ट इज एम्पावर टू स्ट्राइक आउट एनी प्लीडिंग, कोर्ट के पास पावर है कि वो प्लीडिंग्स को स्ट्राइक आउट कर सकता है, कहाँ पे कोर्ट स्ट्राइक आउट कर सकता है, ठीक है, अगर जो प्लीडिंग्स है दैट इज टेंड टू प्री जुडिस और एम्बेरेस द, ठीक है, प्रोसेस ऑफ द सूट, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। एवरी प्लीडिंग शेल बी साइन बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर, जो है उस पर साइन करेगा, कौन सी प्रोविजन के अंडर हमें ये प्रोवाइडेड है, दैट इज गिवन इन ऑर्डर 6 रूल 14 में हमें जो है ये दिया हुआ है। उसके बाद आता है आपका 20th क्वेश्चन, तो दिस इज रिगार्डिंग द लीगल सेट ऑफ, आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। लीगल सेट ऑफ जो है दैट मस्ट बी फॉर द सर्टेन सम ऑफ मनी, लीगल सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड एज अ राइट एंड द कोर्ट इज बाउंड टू एंटरटेन इन अ लीगल सेट ऑफ, इट इज नेसेसिटी दैट द कोरोस डिमांड्स अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन,
So the correct answer to this question is that is C, 1 and 2 statements are correct. उसके बाद है आपका 21 question, the proceeding by which the degree holder seeks to reach money or property of the JD in the hands of the third party is called execution proceedings, trial proceedings, garnishee proceedings or any of the above. So the correct answer to this question is that is garnishee proceedings. Next is, once an accused is discharged under section 227 or 239 of CRPC, he can be tried again for the same offence. ठीक है, उसके क्या हो सकता है, दोबारा से ट्राई कर सकते हो, नहीं कर सकते, acquittal हो जाता है, तो द करेक्ट आंसर इज उसको दोबारा से ट्राई किया जा सकता है अगर सफिशियंट एविडेंस को सामने लाया जाए. 23rd क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग 372 ऑफ CRPC. अ विक्टिम कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल. ठीक है, जो 372 CRPC में है, तो विक्टिम जो है फाइल कर सकता है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल. उसके बाद आपका आता है 24th क्वेश्चन, व्हाट विच कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC में कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. एनी कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास, एनी स्पेशल एम्पावर्ड इन दिस फील्ड. जो प्रोसीजर है समरी ट्रायल का, वो आपको कौन से सेक्शंस में दिया हुआ है. दिस इज गिवन अंडर सेक्शंस 262 265 में हमें जो है इसका प्रोसीजर दिया हुआ. जो कंपोजिशन है अंडर सेक्शन 320 शैल हैव द इफेक्ट ऑफ, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा इक्विटल का. विच सेक्शन ऑफ द CRPC डील्स विद द पावर ऑफ सेशन जज टू ट्रांसफर केसेज एंड अपील. पावर है सेशन जज की कि वो ट्रांसफर कर दे केसेज या अपील को अंडर सेक्शन 408. एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC. जो एंटीसिपेटरी बेल है सेक्शन 438 ऑफ CRPC की, वो एक डायरेक्शन है टू रिलीज अ पर्सन ऑन बेल इशूड इवन बिफोर अ पर्सन इज अरेस्टेड और इज एन इन एन अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट. ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल की प्रोविजन हमें 488 में. अब आगे आपका केस लॉ का क्वेश्चन, कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था हाई कोर्ट को टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC. तो कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है. द नेम ऑफ द केस इज स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनगा. दिस इज द केस इन विच द कोर्ट हैज हेल्ड दिस. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है. आर मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स अंडर चैप्टर 9 ऑफ CRPC. डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203 एंड इंक्वायरी फॉर इशूइंग सर्च वारंट अंडर सेक्शन 97 ऑफ CRPC. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट इज दी. 31. When any person is arrested, जब किसी भी person को arrest किया जाता है, तो arrested person shall be examined by a medical practitioner. Arrested person को medical practitioner जो है, वो examine करेगा. Police officer investigate कर सकता है एक non-cognizable case को. ठीक है, the correct answer is only after the order of the magistrate, क्योंकि non-cognizable offences जो होते हैं, that are the less serious offences. Confessions and statements under section 164 may be recorded by, उनको कौन रिकॉर्ड कर सकता है. 33 का क्या आएगा, सी, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड. ए मजिस्ट्रेट वुड बी जस्टिफाइड इन नॉन एक्सेप्टिंग द चार्ज शीट अनलेस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फर्निशेस द डिटेल्स रिगार्डिंग व्हाट. अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है डिटेल्स को फर्निश कर देता है. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. 35th क्वेश्चन था, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया. अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, तो नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो करेक्ट आंसर है आंसर की के अकॉर्डिंग, दैट इज नो पर्सन शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज 36 का क्वेश्चन था आपका, व्हेन अ मजिस्ट्रेट इश्यू समन्स ही मे डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड परमिट हिम टू अपीयर बाय हिज प्लीडर अंडर विथ सेक्शन. कौन से सेक्शन में आएगा, दैट इज सेक्शन 205 ऑफ CR. 37 क्या है, अपील. अपील में क्या है, ठीक है, एन अपील कैन नॉट बी डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपियरेंस ऑफ द अपेलेंट और हिज प्लीडर. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज नॉन कंपाउंडेबल. इनमें से कौन सा सेक्शन कंपाउंडेबल नहीं है. ऑफेंस अंडर सेक्शन 307 इज नॉट कंपाउंडेबल. सेक्शन 159 ऑफ CRPC जो है एम्पावर करता है एक मजिस्ट्रेट को टू ऑर्डर द मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इनटू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली दोज केसेस जिसमें पुलिस डिसाइड कर लेती है कि वो जो ऑफेंस को है वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी. अकॉर्डिंग टू कौन से सेक्शन में हर डिस्टिंक्ट ऑफेंस का फॉर विच एनी पर्सन इज अक्यूज्ड सेपरेट चार्ज होना चाहिए.
देयर शेल बी अ सेपरेट चार्ज विच शेल बी ट्राइड सेपरेटली. सो कौन से सेक्शन में हमें ये प्रोविजन जो है दी हुई है, दिस इज गिवन इन सेक्शन 280. द ऑर्डर ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 250 ऑफ सीआरपीसी कैन बी मेड. जो ऑर्डर कंपनसेशन की है 250 सीआरपीसी में, दैट कैन बी मेड बाय द मजिस्ट्रेट ओनली वेयर द ऑफेंस चार्जेबल इज ट्राइबल बाय. आइडेंटिफाई द रूल कनेक्टेड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ मियर प्रिपरेशन टू कमिट ऑफेंस एंड अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस. सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लॉपेस पॉइंट. नेक्स्ट इज अ वुमन व्हाइल वॉकिंग थ्रू द पब्लिक स्ट्रीट वॉज स्पॉट बाय अ ड्रंकन मैन एट हर बैक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट. ही इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 509. ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन. ही कुड टेक द ऑफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन और ऑल ऑफ द अबव. तो इनमें से क्या कौन सी जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, दैट इज 43 का कौन सा आएगा सी. वो डिफेंस नहीं ले सकता है इंटॉक्सिकेशन. नेक्स्ट इज सुमिति इंटरेस्टेड हर ज्वेल्स एंड अदर वैल्यूएबल शी रिसीव फ्रॉम हर पेरेंट्स ऑन मैरिज टू मोहित. हर हस्बैंड मोहित विद द सपोर्ट ऑफ हिज रिलेटिव्स वो उसको डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर देता है एंड यूज कर लेता है फॉर परचेजिंग प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ हिज सिस्टर. What offense is committed by Mohit? Mohit ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? So the correct answer is he has committed the criminal breach of trust, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो उसको entrust करवाई गई. Next is A shakes his fist at B intending or knowing it to be likely that he may cause B to believe that A is about to strike B. What offense if any has been committed by? कौन सा ऑफेंस B ने कमिट किया है? So 45 का क्या आएगा B? That is assault. A person infected with COVID-19 escaping from quarantine and endangering people in society could be criminally liable under which section of IPC? कौन से सेक्शन में वो लाइबल है? 46 का क्या आंसर है? Any officer or servant continued appointed or employed in India by the authority as defined under the IPC is वो क्या है? 47 का करेक्ट आंसर है. That is B. He is a servant of the government. 48. Order is promulgated by a public servant with lawful authority prohibiting public procession and public gathering in a particular locality. Mr. X knowing disobeys the order and causes danger of riot. कौन सा offence जो है उसने commit किया है? He has committed an offence under section 188. Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife. The wife is not being under the age of 18 years is not rape. जब position introduced की थी under exception 2 of section 375. By which decision? कौन से decision के through इसको जो है किया गया था? Independent thought versus union of India. R intending to kill has shot the gun but it hits T. Which principle could be applied to make R criminal liable? कौन सा principle apply किया जा सकता है R को criminally liable करने के लिए? Doctrine of transfer. 15 क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है. जैसे आईपीसी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं दैट आर इजी. इजी है, डिफिकल्ट नहीं कह सकते आप इन क्वेश्चन. नेक्स्ट इज ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब एंड दे अटेम्प्टेड टू मर्डर हिम. ही फायर्ड ऑन द मॉब एंड रिजल्टेड इन हार्मिंग यंग चिल्ड्रन व्हिच आर हु आर मिंगल्ड विद द मॉब. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टू द फैक्ट. कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? दैट इज सी. Naming a minor for the purpose of begging is an offence under which section of the IPC? कौन से section में है? 363. The offences which were originally introduced in section 113 of the draft but was dropped from the IPC was that a sedition. Find out an incorrect statement. इनमें से आपको incorrect statement जो है वो choose करनी है. तो 54 का जो correct answer है that is D. कौन सा हु कमिट्स एक्सट्रॉशन शैल बी पनिश्ड. उसको कितनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है अगर कोई भी एक्सट्रॉशन करता है? 3 years एंड विद फाइन. ए एंड जेड एग्री कर जाते हैं टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट. दिस एग्रीमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच अदर टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज विदाउट फाउल प्ले. ए वाई प्लेइंग फेयरली हर्ट्स देन. तो ए ने क्या कमिट किया है?
ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, उसने कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट किया। सेक्शन 308 आईपीसी वाज हेल्ड बाय द कोर्ट टू बी अल्ट्रा 303 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, इनमें से कौन से केसेस में कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के। A child of 9 years of age stole a gold necklace and immediately afterwards sold it to the accused. Is he guilty of theft? क्या वो theft के लिए guilty है? ठीक है, the answer to this question is that is B option. The child is guilty as he has attained a sufficient maturity. A maturity उसने, ठीक है, उसको पता था, इसलिए उसने जो है accused को बेच। एक्स डॉक्टर इन्फॉर्म करता है अपने पेशेंट को दैट उसको कैंसर का लास्ट स्टेज है। एक्स रिक्वेस्ट करता है वायर को टू अरेंज हिज फैमिली अफेयर्स एज ही कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन अ कपल ऑफ वीक्स। वाई जो है वो डाई, उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ शॉक ऑन हियरिंग दिस। एक्स इज वॉट, एक्स क्या है, उसने एक्स का ऑफेंस क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ही इज नॉट गिल्टी सिंस कम्युनिकेशन वॉज मेड इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ वन। उसके बाद आपको जो है सेक्शंस को मैच करना है, आपको प्रोविजन दी हुई है कि कौन से सेक्शन में आपको ये प्रोवाइडेड है, तो इसका कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, रॉबरी 391 में नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गुड फेथ में कहता है सेज ऑफ ए बुक पब्लिश बाय जेड, जेड्स बुक इज इनडिसेंट, ही मस्ट बी अ मैन ऑफ इम्प्योर माइंड, इन दिस डेफिमेशन पनिशेबल अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी, नो बिकॉज इट फॉल्स विद इन वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 499 के एक्सेप्शन में ये डेफिनेशन की फॉल कर जाता है। कैरिकेचर क्या है, आपको जो है एविडेंस का क्वेश्चन आ गया है। कैरिकेचर क्या है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज गिवन इन द लॉ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, आप कंक्लूसिव प्रूफ को क्या रिबट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो दैट इज वी नो दैट वो इररिबटेबल होता है, दैट इज कंक्लूसिव। डिसीज्ड He has been killed by a speeding truck. The witness had not seen the incident but the speeding truck. The deceased stated to him what has happened to him in the accident. The statement of the witness in the court will 64 का क्या आएगा? 65 question है आपका. He is accused of a crime after receiving a letter warning him. The police are coming in search of the accused. He flew away. This behavior is relevant अंडर विथ सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में ये रेलिवेंट है? क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन रोड इज अ पब्लिक वे, अ स्टेटमेंट बाय ई, या आपको जो है एविडेंस एक्ट का ये क्वेश्चन है, सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज बी अंडर सेक्शन। क्रिमिनल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वी नो दैट वो हमेशा किसके ऊपर होता है, दैट इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन। अगर एक्यूज्ड इनसैनिटी प्लीड करता है, ही वाज इनसेन एट द, ये कौन से सेक्शन में 105 में, वी नो दैट एक्यूज्ड के ऊपर फिर बर्डन हो जाता है। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव दैट इट इज शोन दैट ही वाज अलाइव विद इन 30 ईयर्स, कि वो पिछले 30 साल से जिंदा था, तो जो कह रहा है कि वो डेड था उसके ऊपर फिर बर्डन आ जाता है। 119 में जो एविडेंस होता है, ठीक है, आईपीसी में वो कौन सा एविडेंस होता है, दैट इज ओरल एविडेंस। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द ऑर्डर ऑफ री एग्जामिनेशन वो सेकंड नहीं होता है, वी नो दैट एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। अ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट बट नॉट कॉल्ड एज ए विटनेस, उसको जो है आप क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते हो, उसको आपको एज ए विटनेस बुलाना होगा। तो ए हु वाज हिट बाय अ बुलेट स्टेटेड इन द हॉस्पिटल इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट दैट ही हैड फायर्ड एट हिम बट ए डिड नॉट डाई, द स्टेटमेंट मे बी यूज्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस, आप उसको किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, आप उसको कॉरोबोरेशन के लिए। इनमें से कौन सी प्रोविजन डील करती है विद द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप के साथ, सेक्शन 110। अ डॉक्टर इज समन टू गिव हिज एविडेंस ऑन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच वॉज डन बाय हिम 2 years ago, ही वॉन्ट टू रिफ्रेश हिज मेमरी बाय सीइंग हिज रिपोर्ट अंडर विच प्रोविजन ही कैन डू सो, तो कौन सी प्रोविजन के अंडर जो है वो ये कर सकता है, दैट ही कैन डू सो अंडर सेक्शन 159 टू रिफ्रेश हिज मेमरी।
दो स्टेटमेंट दी हुई हैं आपको, ठीक है, आपको आंसर में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। एच वन हस्बैंड डब्ल्यू वन कन्फेस्ड बिफोर वाइफ दैट ही हैड किल्ड द पर्सन, दिस इज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बट दिस इज बार्ड अंडर दिस। सर्टेन प्रोविजन आर बेस्ड ऑन द पॉलिसी दैट द ट्रस्ट बिटवीन टू पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 76 का क्या आएगा, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट। पांच गोल्डन प्रिंसिपल्स सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के कौन से केस लॉ में दिए हुए हैं, शरद विद्यचंद शारदा वर्सेस शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 112 किसकी एविडेंस एक्ट किस चीज से डील करता है, द डील्स विद द, ठीक है, वेदर लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड। आपको इनको मैच करना है, आपको ये दी हुई है स्टेटमेंट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है, व्हाट इज एन एक्सेप्टेंशियल एविडेंस है, कॉरोबरेटिव है, डायरेक्ट है या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, दैट इज वन। इन द केस ऑफ सावित्री समंद्रे वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, द एक्यूज्ड एग्रीज दैट ही हैज डन अ सर्टेन एक्ट विद एन इंटेंशन अदर देन व्हिच द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट द ओनर्स ऑफ प्रूविंग दैट स्पेसिफिक इंटेंशन फॉल्स इन टू द, वो किसके ऊपर जाएगी, दैट इज ऑलवेज ऑन दैट। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आगे, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स लिमिट किए गए हैं टोटल नंबर ऑफ द हाउस, कौन सी अमेंडमेंट में आपको ये दिया हुआ है, दैट इज लिमिट। जो केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह का, वो कौन से डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू विच डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ वल्नरेबल लेजिस्लेशन। द प्रेसिडेंट की पावर है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ इंडिया, ठीक है, मैंने आपको ये अभी शॉर्ट्स वीडियो में भी करवाया था, ठीक है, पावर जो है प्रेजिडेंट के पास पावर है, ठीक है, पार्डन वगैरह करने की। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑल ऑफ द, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, किसके पास पावर है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इट वॉज कंक्लूडेड दैट प्लेंटिफ इज अनविलिंग टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू अ डीएनए टेस्ट, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। पर्सनल लिबर्टी एज ए प्रीवेसी इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन आइडेंटिटी, तो कौन से केस में जो ये है कोर्ट ने हेल्ड किया था, इन विच लैंडमार्क जजमेंट दिस वॉज हेल्ड बाई द कोर्ट, सो दिस वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ अशोक कुमार वर्सेज राजगुप्ता। कौन से केस में ये हेल्ड किया था कि राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज कॉन्स्टिट्यूशनली एनफोर्सेबल, ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है, रतन लाल भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी। इनमें से कौन सी जो है लैंग्वेज, वी नो दैट टोटल जो है 22 लैंग्वेजेस हैं, इनमें से कौन सी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में नहीं है, राजस्थान। कौन सी अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रायोरिटी दी थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, सो द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट में जो है कोर्ट ने ऐसा किया। 90th क्वेश्चन इज 10th शेड्यूल में आपको कौन सी प्रोविजन दी हुई है, वी नो द एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग, जो कि 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक ऑफ लोकस स्टैंडाई इज जनरली नॉट अ बार फॉर द इश्यूएंस ऑफ रिट ऑफ व्हाट, दैट इज कोवरेंट। इनमें से आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है, आपको देखनी है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, सो दैट इज बी, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। आगे आपको दिया हुआ है कि कौन सी प्रोविजन कौन से सोर्स से जो है ली गई थी, तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आपने इनको मार्क करना है। एमरजेंसी प्रोविजंस जो है दैट वर टेकन फ्रॉम द जर्मनी, फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है, दैट इज टेकन फ्रॉम यूएससी, ठीक है, एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहाँ से लिया गया है, दैट इज टेकन फ्रॉम द यूपी एंड डीपीएसपी को आयरलैंड। 94th क्वेश्चन आपको असर्शन एंड रीजन दिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई टू रिट्स, ठीक है, आपको दिया हुआ है, रिटिव हेवी कॉर्पस को सेम रिट कैन बी फाइल अफ्रेश, ठीक है, आप उसको फ्रेश फाइल कर सकते हो या नहीं। 94 का क्या आएगा, ए इज टू, बट इज। नेक्स्ट इज 95 क्वेश्चन, तो टोटल 100 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम द लॉ, जो सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वाज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द, वो किस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन।
96% of Indian origin card holders can enter India with the multiple entry feature with a separate visa for a period of 15 years. Rajya Sabha is compelled to return a money bill to Lok Sabha within how many days from the date of receiving, with or without recommendations? So the correct answer to this question is that is B, 14 days. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वॉज वैलिडेटेड बाय द कौन सी अमेंडमेंट से जो है इसको वैलिडेट किया गया था 101 अमेंडमेंट्स 99 डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग जो है कौन से केस में हेल्ड की गई थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के लिए अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड क्लेरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट कौन से सेक्शन के अंडर जो है आप इसको करेक्ट कर सकते हो दैट कैन बी करेक्टेड अंडर सेक्शन 150 यूनिवर्सली लिबरली बजट ठीक है आपको दिया हुआ है इक्वेशन कमेटी मस्ट रिड्यूस एग्जैक्टली 5 of 8 एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस ये आपके अब 100 क्वेश्चन तो लॉ के थे अब ये आपके किस चीज के आगे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन आगे हैं तो मैं आपको इसके आंसर्स जो है वो लिखवा देती हूँ 101 का जो है दैट इज बी आएगा 102 का जो क्वेश्चन का आंसर आएगा दैट इज डी येल्लो 103 का जो आंसर है दैट इज सी 302 104 क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज डी 36 ईयर्स 106 का जो आंसर है दैट इज ई ठीक है ई इज द करेक्ट 107 का भी करेक्ट आंसर क्या है दैट इज ए ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं आपके और जीके के 108 का जो आपका आंसर है दैट इज सी 60 मिनट्स 109 का आपका आंसर है दैट इज बी 110 का आंसर है सी दैट इज 300 111 का जो आंसर है दैट इज बी बुटल कला 112 का जो आंसर है आपका क्या आपको जी के अगर आती होगी तो दैट विल गिव यू एन एच वो आपको फिर एग्जाम में एच दे के जाएंगे ठीक है रीजनिंग इक्वेशन थोड़े लॉ के स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़े से डिफिकल्ट थे 113 का जो है दैट इज सी 114 का जो आंसर है दैट इज ए जस्सा सिंह रामगढ़िया 115 का आंसर है आपका सी दैट इज 1 and 2 ओनली 116 का आंसर है बी दैट इज 1, 3 and 4 ओनली 117 का आंसर है दैट इज बी 118 का जो आंसर है दैट इज ए 119 का जो आंसर है दैट इज डी 120 का जो आंसर है दैट इज बी एम ए आंसर इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले जो है तो कौन थे दैट इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दैट इज बी आर अम्बेडकर तो ये थे आपके 120 क्वेश्चंस टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं अनदर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज अन अकेडमी पे जुडिशरी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है तो स्कॉलरशिप टेस्ट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाई अन अकेडमी ऑन 13th of November 13 November को है ये At 11 AM, so don't forget to join enroll yourself in this test by using this code that is VB Law. Details, baki aapko description box mein mil jayega. Thank you so much, everyone.